हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। उम्मीद करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। और ये ब्लॉग लास्ट वीक का है, जब मौसम थोड़ा सा ठीक था, इसके बाद ही बिगड़ना शुरू हुआ था। बट मैं ये ब्लॉग एडिट नहीं कर पाई हूँ। आफ्टरनून का टाइम है, लंच की तैयारी हो रही है, साथ ही मैंने गहत दाल खूब सारी उबाल के रखी है, क्योंकि जब कोल्ड होता है तो इसका जो सूप है वो पीने में अच्छा लगता है, गले को काफ़ी राहत देता है। तो यहाँ पर इसको मैं इसलिए ज़्यादा उबाल के रखती हूँ, एक तो दाल बनानी होती है, साथ ही इससे हम पराठे भी रेडी कर सकते हैं स्टफिंग के साथ में। ये मैंने गहत की दाल छौंक दी है, तो गहत की दाल छौंक के रख दी है, साथ ही ये जो पिट्ठी होती है ना दाल की, इसमें अदरक थोड़ा सा, लहसुन, लहसुन मैं कम डालती हूँ, मुझे पसंद नहीं है अदरक ज़्यादा, और मिर्ची भी थोड़ी ज़्यादा, वो थोड़ा सा नमक डाल के इसको मैं पीस रही हूँ। तो बस ये लास्ट लॉट मेरा पीसा जा रहा है। पहले मैं इस वाले जार में ट्राई कर रही थी, बट ये पिट्ठी ना बहुत ज़्यादा चिपक रही थी, तो मैंने कहा चलो छोटे से जार में फटाफट कर देते हैं। तो इसमें थोड़े बहुत दाने भी रह जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ना ये सॉफ्ट है, ये देखिए ऐसे। तो अगर जब हम इसमें मसाले मिलाएंगे ना, तब भी थोड़ा सा इसको क्रश करेंगे हाथों से, तो ये इजीली हो जाएगा। तो बहुत ज़्यादा वैसा वाला स्मूथ सा पेस्ट नहीं चाहिए हमें, थोड़ा सा रफ भी रहे तो चलेगा। तो चलिए लास्ट है, इसको मैं पीस लेती हूँ, फिर हम इसमें मसाले मिलाएंगे। गहत की दाल में ना धनिया का टेस्ट काफ़ी अच्छा लगता है, तो धनिया अगर पिट्ठी बना रहे हैं तो उसमें भी धनिया खूब सारा जाता है, साथ ही दाल के ऊपर भी धनिया काफ़ी अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मेरे पास फ्रेश ये धनिया है, इसको मैं चॉप कर लेती हूँ और फिर इसको दाल के ऊपर डालेंगे। बस लंच टाइम हो ही गया है, साथ ही मैंने राइस भी रेडी कर दिए हैं, तो बस अब इसके ऊपर हम डालेंगे धनिया और ये गर्मा गर्म लंच इंजॉय करेंगे। दाल की जो पिट्ठी मैंने पीस कर रखी थी, उसमें मैंने कुछ बेसिक मसाले जैसे नमक, हल्दी, मिर्ची और इसमें गरम मसाला मैं ऐड करके इसका बना दूंगी एक मिक्सचर। और ये काफ़ी सारा मैंने बना के रखा है, तो दो तीन बार में ये काम आ जाएगा। साथ ही लास्ट में मैं डाल रही हूँ गरम मसाला और हरा धनिया, इसमें जितना ज़्यादा डालें उतना अच्छा टेस्ट आता है। हरी मिर्ची चॉप करके डाल सकते हैं, मैंने पीसने के टाइम पर इसमें ऐड की है। तो बस इस तरह से हमारी ये पिट्ठी बनकर रेडी है। ये आज तो नहीं यूज़ होने वाली, ये कल यूज़ होगी और ये दो तीन दिन के काम मेरे आने वाली है। गुड मॉर्निंग, नेक्स्ट डे है और यहाँ पे दूध उबल रहा है, साथ ही आटा मैं बना रही हूँ और आज मैंने पिट्ठी बना के रखी है, तो उसके बनेंगे पराठे। और बाहर मैं आपको दिखा देती हूँ मौसम, तो मौसम बहुत ही बुरा है। सुबह कोहरा था और अब कोहरा हट चुका है, लेकिन अभी भी बादल हैं, धूप नहीं आई है। और इसी तरह का मौसम लगभग दो तीन दिन तक रहा और उसके बाद फिर बारिश शुरू हो गई थी। एक हफ्ता इस तरह का पूरा मौसम रहा है।
हमने एक हाथ से डाला था, तवे के साइज का ये। एंड आपका ब्रेकफास्ट लेयर देख रहे हैं कितनी पतली और स्टफिंग कितनी सारी, और पतला सा पराठा और साइज देखें। ऐसा पराठा मिल जाए सर्दियों के दिनों में मज़ा आ जाता है, और गर्मा गर्म चाय। ये जो क्लिप मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ ये शाम की है, और दिन से ही बारिश शुरू हो गई थी और हम लोगों की तबीयत भी थोड़ी सी बिगड़नी शुरू हो गई थी। तो पूरी 3-4 दिन जो बारिश रही हम लोगों की तबीयत भी ख़राब रही। तो बस ये ब्लॉग जो मैंने बनाया था ये आधा अधूरा ऐसे ही रह गया था, पूरा नहीं हो पाया था। तो बस आज मैंने इसे एडिट करके आपके साथ शेयर किया है, उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आया होगा। हम लोग भी अब ठीक हैं, तबीयत थोड़ा सा रिकवर हो गई है और मौसम भी अब ठीक हो गया है। आप सभी भी अपना ध्यान रखें बदलते हुए मौसम में। मैं मिलती हूँ आपसे किसी और नए इंटरेस्टिंग ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय।